हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाशस्टेम एजुकेशन। तो आज आप लोग के साथ बच्चों एक टॉपर के हम लोग बात करवाएंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी से हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर चुके हैं देवांजन के साथ। देवांजन बेसिकली जादवपुर यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है और आप लोगों को जरूर उनका एक्सपीरियंस जो है हेल्प करेगा, कैसे आपको 2025 का प्रिपरेशन करना चाहिए और कैसे वो अपने डेज पे प्रिपरेशन किए थे जिसके वजह से उनको जादवपुर मिल पाया। तो चलिए हम लोग देवांजन के पास डायरेक्ट चलते हैं एंड ऑब्वियसली जानते हैं कि कैसे कैसे वो प्रिपरेशन किया था अपने टाइम पे। ठीक है, अलोंग विथ मैं और भी एक चीज बोल देना चाहूंगा, देवांजन जो है फॉर्मली मैं उनके उनको जितना तो जानता हूँ इतना मतलब उनके जो थॉट प्रोसेस है वो बाकी दुनिया से थोड़ा अलग है। ठीक है, वो सोचते बहुत बढ़िया है, मुझे उसका सोच प्रोसेस जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा लगता है। तो देवांजन से आप लोगों का मीट करवाते हैं, उनसे जानते हैं। और जो लोग चैनल पे जो पहली बार आ रहे हो, ऐसे रेगुलर इंटरव्यूज और चीजें हम लोग आपके लिए लाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 2025 का WBJEE जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। हाँ, अब देवांजन के पास आते, देवांजन स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग आएंगे। 25 WBJEE अप्रैल महीने में अप्रोक्सीमेटली होगा, 2025 अप्रैल पे होगा अप्रोक्सीमेटली। 8 महीना ऑलमोस्ट बचा हुआ है, टाइम अच्छा खासा है स्टूडेंट्स के पास। तो कब कैसे क्या कर तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्या करें अभी? सभी स्टूडेंट्स को पहले तो नमस्कार मेरे तरफ से। WBJEE का एग्जाम करीब करीब अप्रैल महीने में होने वाला है आई थिंक। तो अभी कितना मंथ बचा हुआ है, तो एट मंथ्स बचे हुए हैं, राइट? उसमें से एक महीना तो वेकेशन में कटा चला जाएगा, राइट? उस समय तो इतना पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं है, तो टेक्निकली तुम लोगों के पास रफ एंड रफ 6 to 7 months ही है, बस 6 to 7 months। तो अगर जो लोग थ्रू आउट 2 years प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 11th के शुरू में अपना प्रिपरेशन शुरू कर रहे थे, उन लोगों को तो मैं यही कहना चाह रहा हूँगा कि वो लोग अपने डिविजन स्टार्ट कर दे। वो लोग आई थिंक स्टार्ट कर भी चुके होंगे, रेगुलर मॉक टेस्ट देना चाहिए महीने में दो, अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन जब WBJEE के एग्जाम पास आएगा तब तुम लोगों को करीब करीब हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट तो देने ही होंगे। अगर देखिए मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने पढ़ाई से पहले भी मॉक टेस्ट के बारे में ही बोला, इसलिए क्योंकि वो एग्जाम में आपका नॉलेज कितना है वो जज नहीं कर रहेगा, जज करेगा आपका कितने नॉलेज है, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितना अच्छा आपका मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप उस दिन अगर एग्जाम में अच्छी परफॉर्म अगर नहीं कर पाए तो आपका ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, है ना? इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड होना है, अच्छे से मॉक टेस्ट को देना है, उसका अच्छे से इवैल्यूएशन करना है कि कहाँ पर मेरा गलती हुआ है, कहाँ पर मुझे और सुधार की जरूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, एग्जाम्स को इग्नोर करते हैं, जस्ट पढ़ाई करते जाने, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर आपको आप खुद को तो आपका अच्छा लगेगा कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा मार्क्स ठीक ठाक आ जाएगा, लेकिन आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, एग्जाम से कितने भी मार्क्स आए, 200 में अगर पहले 40, 30, 25 ऐसे भी मार्क्स अगर आए हैं तो कोई बात नहीं, आप उनसे भी आगे हैं जो लोग एग्जाम दे ही नहीं रहे, ठीक है ना? जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे भी आप आगे हैं। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली जो फर्स्ट पॉइंट देवांजन ने बोला कि बेसिकली हमको टाइम मैनेजमेंट, WBJEE का पेपर जो होता है ना वो बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इतना कम टाइम में अगर इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा नहीं करोगे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व का आपका हैबिचुएट नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व को आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, अचानक जाके जितना भी नॉलेज आपका थियोरिटिकल नॉलेज हो आप जाके एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जितना हो सके पहले से आपको स्टार्ट कर देना पड़ेगा आपका मॉक टेस्ट देना। जो बहुत अच्छी बात बोला देवांजन ने कि कंफर्ट जोन से बाहर आओ। देखो अगर आप यहाँ पे बुक पढ़ के मन ही मन 100 मार्क्स 150 मार्क्स सोच लिया, वो पेपर में जाके एग्जीक्यूट नहीं होगा। पेपर में जाके अगर 50 मार्क्स भी एग्जीक्यूट हो रहा है दैट्स गुड,
दो एग्जाम दो, खुद को टफ जोन में लेके आओ, तभी हम कुछ रिजल्ट्स बाहर निकल के आएगा। और एक चीज लास्ट में इंक्लूड करूंगा कि जो हमारे बैचेस हैं, इसमें बेसिकली बैच हम लोगों ने आपको लिए रेडी किया है, जिसके अंदर आपको लगभग 60 के आसपास हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करें, मेंटरशिप सेशंस वगैरह ये तो है ही है, बट जो मॉक टेस्ट 60 के आसपास, आप लोग कहाँ से मॉक टेस्ट दोगे, ढूंढते रहते हो, तो हम लोग आपको 60 से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अलोंग विद उसका फुल सॉल्यूशंस के साथ। तो ये सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फीस बहुत कम है, पूरा एक साल का ओनली 499 के अंदर आपको क्लासेस, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, मेंटरशिप सब कुछ अलोंग विद मिल जाएगा। अच्छा देवांशन, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बोलो कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट वगैरह तो हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो, और क्या अभी इस टाइम पे और किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? हाँ, तो अब मैं सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे आता हूँ, जो लोग उतने सीरियस नहीं थे WPJE के लिए। अभी अभी उनको मन लगा कि ये एग्जाम क्या क्रैक करना है, मुझे जादवपुर जैसे अच्छे कॉलेजेस में जाना है, अच्छे ब्रांच लेना है, फिर एक अच्छा प्लेसमेंट आएगा। तो ये सब अगर आपका थॉट है तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें तो आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उनका बात अलग है, वो अपने प्रिपरेशन करते रहे जो जैसे कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जस्ट ये एग्जाम में अच्छे से, नॉट टॉप रैंक्स बट उनका रेंज अगर मैं कहूँ 200 से 1000 के बीच में जो रेंज है, टॉप 100 तो वो लोग हैं जो थ्रू आउट प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन 200 से 1000 के जो लोग हैं, मैं उनको अगर मैं बोलूं तो वो अपना सिस्टमेटिक एक स्टडी शेड्यूल बनाए कि कैसे कुछ करना चाहिए। यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल हैं वीडियोस, आकाश भैया भी खुद बोलते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज WPJE में ज्यादा है। आपको 100% सिलेबस कवर करने की जरूरत कोई नहीं है इस वक्त। अगर आप एक पैरेटो एनालिसिस है जो लोग जानते हैं तो ये सब मैं बता दूं, अगर आप उसका 80% भी अच्छे से कर लेते हैं ना, 80% भी, तो आपका मार्क्स बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा बाकी लोगों से, ठीक है ना। तो 20% आप इग्नोर कर ही सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो चैप्टर बेसिक्स है तो फिर तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो उसका वोल्टेज कितना भी कम क्यों ना हो। आपको बेसिक चैप्टर्स तो करने ही करने हैं जिनसे बाकी के चैप्टर सॉल्व होते हैं। फिर आप देखिए जे आपको उसका प्रॉपर शेड्यूलिंग करिए, फिर आप चैप्टर्स को देखिए जो कौन कौन चैप्टर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए यूट्यूब पे और जहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हैं वहाँ पर टीचर से आप कंसल्ट कीजिए, वीडियोस देखिए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। WBJ और सबसे इम्पोर्टेंट है WBJ के PYQs, WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको कितने साल हैं, मिनिमम 7 to 8 years के सॉल्व कर लेने चाहिए, कम्प्लीटली कम्प्लीटली सॉल्व करने से फिर आपको एक क्या होगा, वो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे नहीं, ये तो सच बात है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, राइट। क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, आपको क्या टेम्परामेंट बिल्डअप करना है अपने आप में, फिर आप जो WBJ में परफॉर्म करके आएंगे फाइनली। टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिए, यही जो जो मेन पॉइंट्स थे बेसिकली कि आपको टाइम पकड़ के हम घड़ी लेके एकदम बैठना है, आपको जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, आप रियल एक्सपीरियंस कर पाओगे एग्जाम का। नेक्स्ट जो चीज हमने देखा कि आपको जैसे कि देवंजन ने बोला कि आपको रिविजन वगैरह, रिविजन जो जो जिनका जो बेसिकली 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको रिविजन के लिए उन्होंने बोला कि रिविजन आपको एज सुन एज पॉसिबल रिविजन भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ऐसे करके आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप तो उसने बोला। अब एक लास्ट एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा, ये तो पूरा कैसे प्रिपरेशन करना है ये उसने बोला, उसके साथ साथ बोला कि कुछ स्मार्ट वर्क करने को बोला, कि हार्ड वर्क तो हमको करना ही है, बट उसके साथ साथ सब चैप्टर्स ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही है, उससे क्वेश्चन आता है। मैं चैनल पे ऑलरेडी आपको ये प्रोवाइड करता हूँ कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर वो चैप्टर रेगुलर बेसिस पर करके जाओगे, अच्छे करके जाओगे, तो मार्क्स आपको अच्छा ही आएगा। रादर देन आपको ये समझना पड़ेगा कि एक चैप्टर मेरा 15 मार्क्स कैरी कर रहा है और दूसरा एक चैप्टर मेरा 2 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो मुझको टाइम देना पड़ेगा, जो 15 मार्क्स जो चैप्टर कैरी कर रहा है उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसको इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, आपको ये स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा
जिससे कि आप टाइम का अच्छे से उपयोग कर पाओ। तो ये चीज भी देवांशु ने बोला, तो प्रिपरेशन का तो उसने बोला मैंने क्लियर था हम लोगों के पास, पर जो लास्ट जो चीज पूछूंगा कि आज आप खुद बंगाली बोर्ड से थे, मैं बंगाली बोर्ड से हूँ और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स बंगाल के जो हमारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो जो दिक्कत होता है, पहले आप सब लोग जानते हो टीचर्स बोलते हैं बेटा अभी बोर्ड का देख ले, अब हो उसके बाद WBJEE या JEE मेंस कुछ भी हो वो सोचा जाएगा, बट आप बोलिए कि इस 8 महीने, अभी बोलेगा भाई 8 महीने है WBJEE का, अभी बोर्ड्स का पढ़ ले, अभी टेस्ट एग्जाम आ रहा है, टेस्ट एग्जाम का थोड़ा पढ़ लू, तो ये कैसे एग्जाम पैरेलली कैसे चलाए, WBJEE का प्रिपरेशन बोर्ड्स का प्रिपरेशन, बिकॉज बोर्ड्स ओनली बोर्ड्स है तो WBJEE नहीं होगा, अभी लेवल टफ हो रहा है WBJEE का, तो आपको पैरेलली लेना पड़ेगा, तो आपने क्या किया था उस टाइम पे पैरेलली? देखिए बोर्ड एग्जाम्स का जो लेवल है उसके तो उसका क्वेश्चंस का लेवल और WBJEE क्वेश्चन का लेवल बहुत फर्क है उसमें, राइट। WBJEE का क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, बहुत कंसेप्चुअल आते हैं और सबसे बड़ी बात वो बहुत कम टाइम में भी करना पड़ता है, आपको बहुत सारे टाइम नहीं मिलते हैं, है ना। तो फिर मैं यही बताऊंगा सभी लोगों को कि आप WBJEE का प्रिपरेशन ही ठीक ठाक से कीजिए, ऐसा तो नहीं है कि WBJEE के कुछ क्वेश्चन हायर सेकेंडरी में रिपीट नहीं होते, जरूर रिपीट होते हैं। अगर आप वो क्वेश्चंस अब अच्छे से लगा सकते हैं WBJEE के, तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस आसान से सॉल्व हो। अगर आप ऑन द अदर हैंड अगर आप WBJEE हायर सेकेंडरी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन फिर आपका कोई गारंटी नहीं है कि आप WBJEE क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके आपको लेवल पुश करना पड़ेगा अपने को, बिकॉज जो होता है ना, ठीक है ना, बोर्ड्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अब देख रहे कॉमन क्वेश्चंस हम लोग करते हैं ना, प्रीवियस ईयर से कॉमन आते हैं, लेंथी क्वेश्चन होता है, हम लोग उसको स्टार करके रखते हैं, उसको प्रिपेयर करके जाते हैं, तो क्या होता है ना कि वो चीज ज्यादा से ज्यादा रिपीट होता है, बट WBJEE का हर साल चेंज होगा क्वेश्चन, आप अगर WBJEE लेवल का क्वेश्चन कर पा रहे हो इट मीन्स आप बोर्ड का क्वेश्चन कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो मुझे लगता है जैसे कि रिमंजन ने बोला कि अगर आप सीरियस हो WBJEE को लेके, तो आपको पैरेलली बोर्ड्स के जितना आप वेटेज दे रहे हो, जितना टाइम दे रहे हो, WBJEE को भी आपको उतना ही देना पड़ेगा, तभी तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो अगर पहले ये कर लू देन उसको करूंगा, ये अगर आप सोचोगे तो कभी भी पूरा चीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू, मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, कुछ लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं इस बात का कि बोर्ड एग्जाम तो सिर्फ 12th क्लास का होता है, लेकिन WBJEE 11th 12th दोनों पूछे जाते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैं यही बताऊंगा, अभी तो 12th में फोकस कीजिए, HS के बाद तो कुछ तो वक्त होगा ना, उस समय आप 11th रिवाइज कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप 11th को देखते जाइए, ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल ही भूल चुके हो भाई 11th में कुछ पढ़ाई करी ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, सबने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी हुआ, डिफरेंशिएशन के सवाल तो सारे कुछ लगा सकते हैं, है ना, लिमिट्स कंटिन्यूटी ये सब तो सब लोग पढ़े ही होंगे, बेसिक चैप्टर जो है। तो अगर आप तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग पूरा नील है 11th में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग पढ़े हैं, सिर्फ आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जो HS के बाद आपका HS के बाद आप इधर उधर घूमने के बजाय इंस्टाग्राम और यहाँ पर नहीं घूम के बजाय आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे धीरे धीरे, 11th को रिवाइज करेंगे उस टाइम में, तो फिर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई मतलब 12th का बोर्ड हो गया तो अभी सोशल मीडिया पे आ जाते हैं थोड़ा, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं घूमने, यहाँ पर घूमने जाते हैं, दोस्त बोल रहा है चलो वहाँ पर टूर करके आते हैं, वहाँ ट्रिप पे चलते हैं, ये रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, नहीं कुछ दूर अभी वेट कर जाओ WBJEE तक, उसका रिजल्ट के बाद फिर वो लोग रोएंगे, फिर अपने हंसने मैं क्लियर बोल देना चाहता हूँ, मैं क्लियर पूछना चाहता हूँ आपसे भी कि आपके भी बहुत ऐसी चीजें लाइक कोई टूर, दोस्तों के साथ घूमना, खाना पीना, बहुत कुछ चीजें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अगर आपको कुछ गेन करना है कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपने भी किया है, आपने उस टाइम पे किया था सैक्रिफाइस, अभी आपको आके मिल गया ना सब कुछ, मतलब कोई चीज का तो मुझे नहीं लगता कोई कमी है आपके पास, अभी आप लाइफ को देख रहे हो, अब जा रहे हो घूम रहे हो, मतलब आने के बाद एक तो कुछ ना कुछ अच्छा तो हुआ ना, तो ऐसे कि सबको भी ऐसे ही सोचना है, आपका बहुत दिन पड़ा हुआ है बेटा घूमने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, सोशल मीडिया के लिए, देखना टाइम ही टाइम है, बट अभी ये जो टाइम है अगर निकल गया तो कभी भी जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं हो सकता, बड़ा अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस टाइम पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी अगर आप नहीं करने चाहते है ना, फिर आपको एक ईयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है अच्छे कॉलेजेस के लिए, एकदम
एकदम यही मैं यही बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। अच्छा, थैंक यू सो मच देवांजन। बेसिकली आपका मैंने टाइम लिया एंड थैंक यू सो मच कि आपने मतलब कैसे प्रिपरेशन करना है। देखिए, दो चीज़ होते हैं, पहले तो प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, एक टेंशन होता है। दूसरा है कि हमारे बंगाल, एक सीबीएसई वालों का मैं उतना प्रॉब्लम देखता नहीं हूँ, ये बंगाली बोर्ड का टिपिकल मेंटेलिटी है, जो मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, बोर्ड का एकदम मतलब बहुत मतलब ये दिमाग पे घुसा देते हैं, बोर्ड देख ले भाई, बोर्ड देख ले, वो डब्ल्यूबीजे होगा होगा, ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम के ऊपर हमने बात किया। तीसरा कि आपने जैसे कि बोला कि जो आपका बोर्ड एग्जाम के बाद 11th का पढ़ाई, अगर आप उस टाइम को आप यूटिलाइज करोगे घूमना फिरना ये सब छोड़ के, तो आपका 11th का रिवीजन भी हो जाएगा। तो एक पूरा कॉम्पैक्ट हमने चीज स्टूडेंट्स को इतने कम टाइम में डिलीवर करने का ट्राई किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन एंड होप सो कि आपके एक्सपीरियंस से बच्चे को जो लोग देख रहे हैं उनको भी आगे के दिन में अच्छा हो, उनका भी ट्रैक हो डब्ल्यूबीजेई। ओके, थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल, मेरे शुभकामनाएं सर्वदा आपके साथ।